guys, welcome back to English ki Paathshala. My name is Bhavika Joshi and today we are going to talk about how to read a newspaper to learn English. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आके हमें बोलते हैं कि बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपकी इंग्लिश अच्छी होती है या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज. बट इट्स काइंड ऑफ अ बोरिंग थिंग टू डू. सो हियर आई हैव फ्यू टिप्स फॉर यू विच कैन मेक इट इंटरेस्टिंग एंड विच विल हेल्प यू in your future and which will help you to learn English. So before getting into the video, first of all, subscribe to our channel, click on the bell icon so you never miss a video from us. So here are five tips that I'm going to tell you. First is, agar aap beginners hain, aapko English newspapers ya koi bhi newspaper padhne ki itni aadat nahi hai, to sabse pehle aap ek aisi news dhoondiye jo aapke interest ki hai. For example, agar aapko sports mein interest hai to koi aisi news dhoondiye जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. अगर आपको बॉलीवुड या हॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में कोई न्यूज़ ढूंढिए, उसके बारे में पढ़िए. अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है तो पहले वो ढूंढिए. क्राइम न्यूज़ पसंद है, लोकल न्यूज़ पसंद है, पॉलिटिकल न्यूज़ पसंद है, जो भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आपका, उस टॉपिक की न्यूज़ को चुनिए. आप पूरे एक दिन में स्टार्टिंग में ही पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, तो धीरे धीरे करके उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, आदत में डालिए. तो सबसे पहले जब आप को टॉपिक चूज़ करते हैं तो वो टॉपिक चूज़ कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ पसंद है और आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है उसके बारे में आपकी न्यूज़ है, तो ऐसी कोई न्यूज़ ढूँढिए जिसमें आपके साथ पिक्चर्स भी उस न्यूज़ के साथ हों, ताकि आप इमेजिन कर सकें कि वो कैसे क्या हुआ होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई क्राइम हुआ है, कहीं चोरी हुई है, तो बहुत बार उस जगह की पिक्चर्स भी वहाँ पर होती है. तो आप वैसी न्यूज़ ढूंढिए अगर आप बिगनर हैं तो, ताकि आप इमेजिन कर पाएंगे और जब आप न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपके लिए उस न्यूज़ को समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा. सेकंड थिंग दैट यू मस्ट नो व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज़ दैट वेयर टू स्टॉप एंड वेयर टू टेक अ पॉज. सो व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, व्हेन देयर इज़ अ फुल स्टॉप, you have to stop, and when there is a comma you have to pause. So when you read like this, you gain a particular knowledge and you know where to stop and where to start while speaking or while reading, and that is very helpful in future. Third thing, when you're reading a newspaper and you find something which you don't know, find a word jiska meaning aapko pata nahi hai, to sabse pehle usko underline kijiye. डिक्शनरी में ढूंढिए, गूगल पे ढूंढिए, आपको उसका मीनिंग ज़रूर से मिल जाएगा. तो सबसे पहले आप अंडरलाइन कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए कि वो क्या मतलब होता है, और उसे अपनी एक अलग नोटबुक में लिख लीजिए. तो जब आप वर्ड्स लिखेंगे और आप उसको बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका मतलब पता होगा और आप नए वर्ड्स न्यूज़पेपर के थ्रू डेली सीख सकते हैं. उनके मतलब मीनिंग्स पता चल सकते हैं आपको, और आप उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो आपको पता चलेगा. फोर्थ थिंग इज़ दैट हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड. बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक वर्ड पढ़ते हैं, हमें उसका मतलब पता नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि उसे कैसे प्रोनाउंसिएशन, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है. तो ऐसे टाइम पे सबसे पहले जो आप वर्ड हैं जो आपको नहीं पता, उसे अंडरलाइन कीजिए, गूगल पे जाके टाइप कीजिए. उसमें बहुत बार गूगल बता देता है कि कैसे किसी चीज़ को प्रोनाउंस किया जाता है, बट ऑल्सो देर इज़ अ थिंग टू नो कि कैसे उस किसी चीज़ को प्रोनाउंस किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, देर इज़ अ वर्ड कंपल्सरी एंड यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इट, सो यू कैन ब्रेक दैट वर्ड इन टू पार्ट्स. यू कैन से लाइक कंपल एंड देन सरी, लाइक कंपल्सरी. तो वेन यू विल कंबाइन द टू वर्ड्स इट विल बिकम कंपल्सरी. बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ब्रेक इट इन टू टू पार्ट्स एंड देन ट्राई टू प्रोनाउंस इट. So when you pronounce it in two parts, it become a word, and this is how you can learn how to pronounce a lot of words. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मतलब ही नहीं पता होता कि उस वर्ड का क्या मतलब है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट जब आप उनको ब्रेक कर देते हो तो वो ईजी हो जाता है किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना. फिफ्थ एंड एट द एंड, प्लीज़ ट्राई कि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप दिन के कम से कम 4 से 5 एटलीस्ट ऐसे वर्ड्स ढूंढें जिनका बिल्कुल आपको मतलब नहीं पता था और आपने उस नए वर्ड सीखें. मतलब एटलीस्ट दिन के 4 से 5 नए वर्ड्स ज़रूर सीखें रोज़. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, उसके दो फ़ायदे हैं. सबसे पहले आपकी इंग्लिश सुधरेगी और दूसरा आप अपडेटेड रहेंगे कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है.
तो आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो और न्यू वर्ड्स ढूंढो, उनके बारे में सीखो, उनके प्रोनंसिएशन सीखो, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी इंग्लिश सीखने में या जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं. सो रीड न्यूज़पेपर एज मच एज यू कैन. सो एज आई सेड, चूज़ अ टॉपिक विच यू लाइक. सो आई हैव चूज़ अ टॉपिक विच इज़ स्पोर्ट्स दैट आई लाइक, एंड हियर देर इज़ दिस हेडलाइन, वी कैन स्टिल बाउंस बैक. अब मुझे ये हेडलाइन पढ़ के समझ नहीं आया कि किस बारे में बात हो रही है. अगर यहाँ ये पिक्चर नहीं होती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है या क्या चीज़ है. पर जब ये पिक्चर थी और मैंने एक ऐसी न्यूज़ ढूंढी जो कि एक पिक्चर के साथ है, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये एक स्पोर्ट्स न्यूज़ है, स्पेशली अबाउट द इंडिया पाकिस्तान मैच दैट रिसेंटली हैपेंड. तो मुझे अब न्यूज़ के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता है कि इसमें जो भी बात हो रही है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में हो रही है. सो फर्स्ट थिंग दैट आई सेड कि इंटरेस्ट जो है आपका उसके बारे में वो टॉपिक चूज़ कीजिए, तो वो ये आप चूज़ इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कि फ्रेजेज़ और नए जो वर्ड्स हमें पता चलते हैं, तो जैसे एक ये हेडिंग है, वी कैन स्टिल बाउंस बैक. मान लीजिए कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं इसे अंडरलाइन कर दूंगी. आगे गूगल पे या डिक्शनरी पे जाके इसका पता करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है. तो आपको जैसे कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ वर्ड है राइवलरी, अगर आपको राइवलरी का मतलब नहीं पता है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए. इसमें जितने भी वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता है उसे सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए. एक नई नोटबुक रखिए साथ में, उसमें लिखते जाइए जो भी फ्रेजेस और वर्ड्स आपको नहीं पता है. अब हम बात करते हैं कि कहाँ पॉज लेना है और कहाँ पर स्टॉप करना है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे हम रीड करते हैं. तो लेट्स से यहाँ लिखा है इन इन द 80s एंड 90s, यहाँ पे कॉमा है, 90s के बाद एक कॉमा है. सो आई विल स्टॉप, विच इज़ लाइक इन द 80s एंड 90s, वन ऑफ द मेजर डिलाइट्स अबाउट क्रिकेट वॉज द राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो वेन दिस इज अ फुल स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप. सो आई विल रीड इट अगेन, सो यू विल नो कि कहाँ हमें पॉज करना है और कहाँ स्टॉप करना है. इन द 80s एंड 90s देर इज़ अ कॉमा, सो टेक अ पॉज. इन द 80s एंड 90s, one of the major delights about cricket was the rivalry between India and Pakistan. अब इसका थोड़ा थोड़ा मतलब आपको पता चल जाएगा कि 80s और 90s में एक जो major delight था, मतलब कि जो खुशी थी या you know जो चीज़ लोगों को पसंद आती थी, वो ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के बीच की मैच की. तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि पहले से कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं. कुछ वर्ड्स आपको जो नहीं पता वो आप ढूंढ सकते हैं, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ स्टॉप लेना है, इन सबसे आपको पता चलेगा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं. इफ़ इंडिया हैड वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, पाकिस्तान हैड फियरसम फास्ट बॉलर्स, नॉट पाकिस्तान वुड प्रिवेल ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ देयर बॉलिंग एंड देयर एबिलिटी टू टर्न आउट मैच विनिंग and their ability to churn out match winners out of nowhere. तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको चर्न आउट का मतलब नहीं पता, तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए और उसे बाद में पता कि प्रिवेल का मतलब नहीं पता या जो भी वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता है, तो आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, उनको एक नोटबुक में लिख लीजिए, उनके वर्ड्स आप ढूंढिए गूगल पे, गूगल पे ईजीली मिल जाते हैं, और उसके बाद उन्हें रोज़ बात करें उस बारे में, उस वर्ड्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करें, ताकि आपको इजीली वो लैंग्वेज समझने में ताकि आप इजीली वो लैंग्वेज समझ पाएंगे. अब कोई ऐसा वर्ड है जो आपको प्रोनंसिएशन में नहीं आता, फॉर एग्जांपल बॉलिंग, तो आपको नहीं पता कि आप कैसे उसे प्रोनाउंस करते हैं, तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, BOW, बो एंड लिंक. ओके, BOW, बो एंड लिंक, दो पार्ट्स में आप जब इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये दो वर्ड्स हो गए, बो बो एंड लिंक. अब इसे एक कंबाइन वर्ड कर लीजिए, दैट इज़ बॉलिंग. तो जब आप पूरा एक वर्ड कंबाइन कर लेते हैं तो वो एक नया वर्ड बन चुका है, बॉलिंग. इस तरह से आप जो भी प्रोनंसिएशन आपको नहीं समझ आता है उसे अंडरलाइन कीजिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और फिर प्रोनंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके लिए ही वो ईजी हो जाएगा. तो आप फ्रेजेस को अंडरलाइन करें, वर्ड्स को अंडरलाइन करें और उनके बारे में मीनिंग्स पता करें, और ताकि आपके लिए इजी होगा कि कैसे आप किसी नए वर्ड्स को सीख सकते हैं. आई होप
होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी, आपको देखने में मज़ा आया होगा और आपने कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स और आपने कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी होंगी कि कैसे आप न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीख सकते हैं या कैसे न्यूज़पेपर हेल्पफुल हो सकता है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. सो लाइक द वीडियो, कमेंट व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट एंड हाउ यूज़फुल इट वॉज फॉर यू. शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस.